अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नौरीन और वेलकम करती हूं आपको अपने रिवायती किचन में, जहां पे हर बार मेरी कोशिश होती है किसी यूनिक और यमियस्ट रेसिपी के साथ हाजिर हूं। जैसा कि आज की रेसिपी बहुत ही मजेदार और यूनिक है, आप इसे जब भी बनाएंगे तो बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई इसको बहुत पसंद करेगा और बार बार बनाने की फरमाइश करेगा। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मिनी टाको कप्स। बहुत ही मजेदार और यूनिक हैं, झटपट बन जाने वाले हैं और आप यकीन करें कि आप इसे जब भी बनाएंगे बहुत इंजॉय करेंगे। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। टाको कप्स बनाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत है, आप पहले वो नोट कर लें। मैं फिलिंग के लिए चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोग बीफ या मटन यूज करना चाहें तो बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें टाको सीजनिंग यूज करनी है। अगर आप रेडीमेड यूज करें वो भी ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अपने घर के इंग्रेडिएंट से टाको सीजनिंग बना रहे हैं, जो कि मोर हेल्दी है। अच्छा, उसके अंदर जो है वो ये मेरे पास है कुटी हुई काली मिर्च, कुटा हुआ जीरा, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, आप पेपरिका भी यूज कर सकते हैं। ये मेरे पास है ड्राई ओरिगैनो लीव्स और ये है लहसुन का पाउडर एंड अनियन का पाउडर। ठीक है, ये तो हमारी हो गई टाको सीजनिंग। फिर हमें क्या करना है कि हमें सालसा बनाना है। सालसा बनाने के लिए मैंने टमाटर लिया है, इसको बारीक चॉप किया है और इसके सीड्स आपने नहीं निकालने, जो भी पानी है वो साथ ही आपने रखना है। इसके अलावा रेड अनियन है, इसको भी हमने फाइन चॉप कर लिया है। हरा धनिया, हरी मिर्च, आप हेलोपिनोज भी यूज कर सकते हैं, वो हमें थोड़ी सी चाहिए। नमक, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च और लेमन, ये तो हो गए हमारे सालसा के इंग्रेडिएंट। फिर उसके बाद जो कप्स हम बना रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे वॉन्टोन रैप्स पड़े हुए थे तो मैं वो यूज कर रही हूँ। आपके पास अगर बड़े रोल की पट्टियां हों उसको आप चार हिस्सों में काट के डिवाइड करके उसे भी कर सकते हैं। इवन दो कि आप लोग पीटा ब्रेड भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो लेबनीज ब्रेड भी यूज कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो। और इसके अलावा हम लोग यूज करेंगे इसमें, ये मेरे पास है टाको चीज। अगर आपके पास ना हो तो आप जो भी अपनी पसंद की चीज है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास थोड़ा सा आइसबर्ग लेटस है, थोड़े से मेरे पास ये ब्लैक ऑलिव्स हैं, ये ऑप्शनल हैं, ये मैं गार्निश के तौर पे यूज करूंगी। अगर आप लोग यूज करना चाहें या ना करना चाहें अप टू यू। और ये मेरे पास है सावर क्रीम। अच्छा, ये होममेड सावर क्रीम है, इसकी रेसिपी जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, तो आप लोग वहां से नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोग रेडीमेड लेना चाहें तो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑयल हमें चाहिए होगा ऑफकोर्स फिलिंग बनाने के लिए और टाको कप को बेक करने के लिए। तो अब चले चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लोग अपने जो कप्स हैं उनको बेक होने के लिए रख देंगे। ये मैंने, मेरे पास मफिन ट्रे है, कपकेक ट्रे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले लीजिएगा। और हम क्या करेंगे कि इसको स्लाइटली पहले हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। ठीक है, इसको हमने हल्का सा ग्रीस कर लेना है। फिर हमने क्या करना है कि ये वॉन्टोन की पट्टियां दो ले लें, तीन ले लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितनी भी आपको पसंद हो। सिंपली आपने इसको इसके अंदर रखना है और एक बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना। ये देखें, इस तरह से आपका ये कप बन गया है। इसी तरह से हम सारे कप्स बना लेंगे इस तरह से रख के। ये देखें कि हमारे सारे टाको जो कप्स हैं ये रेडी हो चुके हैं। अब सिंपल हमने क्या करना है कि हमने इनको हल्का सा ऊपर ऑयल लगा देना है, ताकि ये हमारे जबरदस्त से ना क्रंची से टाको कप्स जो हैं वो तैयार हो जाएं। जी, तो सारे टाको कप्स को मैंने अच्छे से ऑयल ब्रश कर दिया है। अब मैं इसको रखने जा रही हूँ अवन में। अवन को मैंने 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर प्री हीट पे लगाया था। ये 8 से 10 मिनट में अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे, तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। अब मैं इसे रखने जा रही हूँ बेकिंग के लिए और हम लोग आ जाते हैं अपनी फिलिंग बनाने की तरफ। आ जाते हैं हम अपनी टाको की फिलिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम पैन में थोड़ा सा डालेंगे ऑयल। अच्छा, ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं करना हमने, क्योंकि हम चीज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसमें हम डाल देंगे अपना ये चिकन का कीमा। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होना शुरू हुआ, हम इसके अंदर अपने सारे इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे। ये मेरे पास था ड्राई ओरिगैनो लीव, लहसुन और प्याज का पाउडर, जीरा, कुटी हुई काली मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, और ये है मेरे पास नमक। ये सब चीजें डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका पानी खुश होने तक हम कीमे को पका लेंगे। देखिए, जबरदस्त सा जो हमारा कीमा है, टाको की फिलिंग है, वो रेडी हो चुकी है।
यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी कि फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और अब हम लोग चलते हैं सालसा बनाने की तरफ। आ जाते हैं हम लोग सालसा बनाने की तरफ। बहुत ही सिंपल है, आपने बोल के अंदर जो टमाटर चॉप किए थे वो डाल देने हैं, उसी के साथ जो हम लोगों ने रेड अनियन चॉप करके रखे हुए थे वो डाल देने हैं, हरा धनिया और हरी मिर्चें आपने चॉप की थी वो डाल देनी है, साथ ही जो नमक और काली मिर्च है थोड़ी सी वो डाल दीजिएगा और जाएगा इसके अंदर नींबू का रस। दैट्स इट, हमारा जबरदस्त सा ये जो सालसा है ये रेडी हो चुका है। यकीन करें ये इतना मजे का लगता है कि आप इसको ना सिर्फ टाकोस बल्कि किसी भी चीज के साथ इसको इस्तेमाल करें तो आपको बहुत यमी लगेगा। ये जबरदस्त सा हमारा सालसा रेडी हो चुका है और कीमा ये रहा जो हम लोगों ने तैयार करके रखा था। अब हम लोग चेक कर लेते हैं अपने टाको कप्स जो बेक हो रहे थे वो जबरदस्त से क्रंची बेक हो गए होंगे, तो मैं उसे निकालती हूँ और हम लोग करते हैं अपना फाइनल स्टेप। देखिए जबरदस्त से हमारे जो टाको कप्स थे वो बेक हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इनको निकाल के यहाँ पे रख लेंगे ताकि हम इसके अंदर फिलिंग करें और इनको हम सर्व करें। अच्छा इसका ये है कि अगर आप लोग पार्टीज में बना रहे हैं तो आप लोग क्या करिएगा कि इनको कप्स को पहले से बना के रख लीजिएगा, फिलिंग बना के रख लीजिएगा और सालसा वगैरह हर चीज रेडी करके रख लीजिएगा और जब आपने इनको सर्व करना हो तो उसी वक्त इनको बनाइएगा और सर्व कर दीजिएगा। ये देखिए हमारे जो टाको कप्स थे वो जबरदस्त से रेडी हैं हमारे पास, कीमा जो हमने टाको फिलिंग बनाई है वो भी रेडी है, सालसा रेडी है, चीज सावर क्रीम और ऊपर की सारी टॉपिंग हमारी रेडी है। अब जब भी हमने इसको सर्व करना है तो बस फिर हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल एक हम कप उठाएंगे टाको का, सबसे पहले हम इसके अंदर जो है वो कीमे की फिलिंग करेंगे। इतनी खूबसूरत कीमे की इस वक्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है ये हो गया हमारा, कीमे की फिलिंग हो गई अच्छी सी, आप इसको फिलिंग कीजिए कीमे की। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि अभी अब हमारे ऊपर है हमने इसको कैसे सर्व करना है। हम इसके ऊपर थोड़ा सा रख देंगे सालसा और थोड़ी सी हम इसके ऊपर रख देंगे सावर क्रीम बीच में, थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे जो हमारे पास चीज है और ये जो हमारा लीफ, ये जो है हमारे पास आइसबर्ग लेटस है वो रख देंगे, इसके ऊपर हम ऑलिव रख देंगे। जिस तरह से चाहे आप इसको बनाएं, इसको फिलिंग करें आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से हम अपने बाकी के सारे जो टाको के कप्स हैं उनको फिल कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आज की टाको कप्स की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और आप भी इसको बनाएंगे और मेरी तरह बहुत एंजॉय करेंगे। यहाँ पे टाइम हो चुका है मेरे जाने का, लेकिन आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहना है, बिल्कुल नहीं भूलना। तो फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।